नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। हालांकि रिलायंस की थोड़ी हालत ज्यादा टाइट दिख रही है, कल AGM था, AGM से पहले AGM के बाद दोनों ही जगह शेयर का प्राइस नहीं बढ़ते हुए दिखा है। और जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात की है तो यहां आपको हल्की पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, लगभग 3% ऊपर है, इनफैक्ट हल्की नहीं। और रिलायंस लगभग 0.5% नीचे दिख रहा है, 0.7% डाउन है, 2420 रुपए पे है। जितना निवेश करना है करिए आराम से, स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बाकी आप सभी के साथ डिटेल में पोस्ट मार्केट एक बार फिर स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी। अच्छे शेयर्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को गिरावट में लेना हमारा सिद्धांत है और इस वीडियो के थ्रू आपके साथ वो शेयर करना आपके साथ हमारा फर्ज है। जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात की जाए, ये स्टॉक T2 ट्रेड में स्टिल गोइंग ऑन है। अब T2 ट्रेड क्या होता है? T2 ट्रेड यानी कि ट्रेड टू ट्रेड। ये स्टॉक मंडे 21 अगस्त को लिस्ट हुआ था बाजार में, जहां पे स्टॉक लगभग 10 दिन तक T2 ट्रेड में रहेगा ऐसा कहा गया। अभी स्टॉक की बात की जाए तो 5 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, 7वां चल रहा है। अब यहां पे अगर 2 दिन और स्टॉक बिल्कुल सर्किट में ट्रेड नहीं करता है तो निफ्टी सेंसेक्स से 1 सितंबर से ये स्टॉक बाहर हो जाएगा। जिससे अच्छा और खराब दोनों ही मत सोचो, ये नेगेटिव खबर है एक तरीके से, बट फिर भी हम चाहते हैं ये हो जाए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि ओवरहैंग है स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के प्राइस के ऊपर, यार बिकवाली होनी है वो सबको पता है होनी है, बट हो नहीं पा रही है क्योंकि रीजन है कुछ। अब पहले मैं आपको बता दूं, अभी स्टॉक 217 पे ट्रेड कर रहा है, 212 पे ओपन हुआ, 207 का लो लगाया और 217 का हाई पे ट्रेड कर रहा है। 3% ऑलरेडी है, अब मैं चाहता हूं उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर गया तो स्टॉक सर्किट लगा देगा 5% का, एंड उसके बाद फिर इस स्टॉक में जो बाहर निकलने का निफ्टी से सिलसिला है वो और आगे 3 दिन एक्सटेंड हो जाएगा। सबसे पहले 24 तारीख को बाहर होना था, फिर 29 की डेट आई और अभी 1 सितंबर की आ चुकी है। और अगर अगले 2 दिन या आज किसी भी दिन सर्किट लगा स्टॉक में, चाहे लोअर चाहे अपर, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे पूरे दिन के लिए, ये स्टॉक की एक्सक्लूजन की डेट और आगे बढ़ेगी। अब एक्सक्लूजन के चलते स्टॉक में लगभग 3,800 करोड़ की बिकवाली होते हुए दिखेगी आपको। ये हो गई आपके लिए जानकारी, जो जानकारी इंपॉर्टेंट थी। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बड़ी खरीदारी करी है और सौदा कंटिन्यू हो रहा है, कोई FII बेच रहा है तो DII खरीद रहे हैं, कोई FII भी खरीद रहा है। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है लगभग मंडे के सेशन में बड़े सौदे होते दिखे हैं, बड़े लेवल पे कामकाज होता हुआ दिखा है और स्टॉक अभी 218.75% ऊपर है, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्या करें क्या ना करें इसको लेकर 21 तारीख से आपके साथ वन साइडेड व्यू रहा है। 21 तारीख को आपको सिर्फ अपडेट दी, 22 तारीख को सिर्फ अपडेट दी 5% के लोअर के सर्किट लगा लो, लेकिन 23 तारीख को आपके साथ बोला कि अगर ये स्टॉक कल भी गिरता है यानी 24 को भी गिरता है तो फिर अब हमें लेने के मौके ढूंढने। थर्सडे को स्टॉक ने जब लोअर सर्किट लगाया तो मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया कि खरीदो, जितना खरीदना है खरीदो, एवरेज करना है करो, कल गिरेगा लोअर सर्किट लगाएगा फिर खरीदेंगे। जो भी अमाउंट लगाना है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए लगाना चाहते हो 30 या 40 लगाओ, कल 5% का लोअर सर्किट में फिर 20 रुपए लगाओ, अगले दिन फ्राइडे को फिर 5% लगे फिर 20 रुपए लगाओ। थर्सडे को हमारी एकदम राय सही निकली, लोअर सर्किट लगाया बहुत अच्छा, फ्राइडे को भी लोअर सर्किट से ओपन हुआ, लगाया हम लोगों ने पैसा और फ्राइडे को अपर सर्किट हिट हुआ, फिर क्लोजिंग होते होते स्टॉक 1% ऊपर बंद हो गया। मंडे कल के सेशन में आपने देखा 0.5% की तेजी के साथ खुला और आज 3.5% ऊपर दिख रहा है करंटली, तो व्यू एग्जैक्टली सिमिलर है, सेम है और बढ़िया है। अब ये व्यू क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, देखिए मैं बार बार रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं बट ये चीजें बहुत जरूरी होती है जब आपको अच्छे स्टॉक के लिए कॉन्फिडेंस देना होता है, आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताना होता है। आप नोटिस करेंगे मैं कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स पे रिपीट टेलीकास्ट करता हूं, टाटा पावर हो गया, वेदांता हो गया, इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपका जियो फाइनेंस पे आजकल करने लगा हूं और रिलायंस। ऐसा कुछ नहीं है कि इन स्टॉक्स में मेरा खुद की खरीदारी है, इनफैक्ट मेरे पास इनमें से शायद ही कोई स्टॉक है, लेकिन निवेशक इसमें बने रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं और मुझे पता है कि उनका यहाँ पे पैसा है और अगर गलती से लॉस हो रहा है तो लॉस में बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा बनेगा। आप यहाँ पे लॉस में बेचोगे उस पर कैपिटल को फ्री करके कहाँ लगा रहे हो मुझे नहीं पता, क्या पता खराब शेयर चुन लो, लेकिन यहाँ पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए जियो फाइनेंस के करंट तेजी के बाद मार्केट कैप 1,38,000-40,000 करोड़ के पास पहुंच रहा है। रिलायंस ने जो इसे डीमर्ज करा तो कल AGM में भी रिलायंस ने कहा कि हमने लगभग 1.20 लाख करोड़ की इक्विटी डीमर्ज करी है जियो फाइनेंशियल के जरिए 6.1%, तो 1,20,000 करोड़ की तो वैल्यू रिलायंस से आई है इस स्टॉक के पास। उसके बाद इस कंपनी का खुद का कारोबार 10-15 हजार करोड़ का मान के चल रहे हैं, हालांकि अभी कंपनी का कारोबार भी बहुत ही छोटे लेवल का है, लगभग 300 करोड़ की सेल है, 150 करोड़ का प्रॉफिट है, 80% के मार्जिन है, बट रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है। छोटे लेवल पे काम नहीं होगा, काम बड़े लेवल पे ही होगा, NBFC का कारोबार है, कंपनी को
पैसा चाहिए, पैसा देने के लिए आ गया और पैसे की कमी कभी नहीं होने वाली है ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं इस स्टॉक को लेकर काफी पॉजिटिव और काफी बुलिश हूं। इनफैक्ट मेरा इतना व्यू पॉजिटिव है कि मैं आने वाले 24 महीने में इस शेयर में डबल तक के लक्ष्य देख रहा हूं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।